नंबर 3 में पेज नंबर 13 में राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो देखिए -7/19 का आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं बच्चों, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर a है, ठीक है बच्चों, तो a का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। a का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को a में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0। तो बच्चों a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस a। क्यों सर? क्योंकि a में अगर हम माइनस a ऐड करेंगे, चेक करो, a में अगर हमने क्या ऐड किया, माइनस a, a प्लस माइनस a, तो बच्चों आंसर 0 ही तो आएगा। ठीक है, आंसर 0 ही तो आएगा, चेक कर लो, a प्लस माइनस माइनस, तो a माइनस a कितना हो जाएगा, 0। a से a कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक, मतलब एक ऐसा नंबर, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे पूछा है -7/19 का एडिटिव इनवर्स निकालो। ठीक है, तो बच्चों -7/19 का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिस नंबर को इस नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0। ठीक, तो सोचिए -7/19 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। तो जवाब है, एकदम सिंपल जवाब है कि बच्चों इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा इसी का नेगेटिव, मतलब जो नंबर आपको दिया रहता है उसी का नेगेटिव कर दो। ध्यान से सुन लो, देखिए जैसे -7/19 है तो इसका आप नेगेटिव कर दो बस, यानी कि इसके आगे माइनस लगा दो। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि +7/19। ठीक है, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 7/19, करेक्ट। तो -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 7/19 होगा। सुनिए, सिंपल शब्दों में बोले तो जो नंबर दिया रहता है उसका बस साइन चेंज कर दो, ये नेगेटिव में दिया हुआ है तो बस इसका पॉजिटिव कर दो इसके आगे। ठीक, तो यानी कि -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7/19 हो जाएगा, करेक्ट। क्यों सर? क्योंकि -7/19 में अगर हम 7/19 ऐड कर दें तो आंसर कितना आ जाता है, 0, करेक्ट बच्चों। तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, हम आंसर में ऐसे देखो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 7/19 is the additive inverse of -7/19। अब इसका रीजन लिखोगे, ठीक है, ये as का मतलब क्योंकि, इसका रीजन है कि -7/19 में अगर हम क्या ऐड करें, 7/19, तो आंसर कितना आ रहा है, 0। इसलिए 7/19 को हम -7/19 का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, करेक्ट बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मान लीजिए आपके, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए उसने बच्चों अगर आपसे पूछा होता फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/19, अब बताओ 7/19 का अगर एडिटिव इनवर्स पूछता तो -7/19 हो जाता। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसका साइन चेंज कर दो। तो आप सोचते 7/19 में एक ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो 7/19 में क्या ऐड करोगे, 7/19 का नेगेटिव, यानी कि -7/19 ऐड करने पर आंसर कितना आएगा, 0। इसका मतलब 7/19 का एडिटिव इनवर्स कौन है, -7/19। ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाते हुए बताई हैं, ठीक है। तो बच्चों चेक करो, 7/19 -7/19 का एडिटिव इनवर्स है, एंड वाई से वर्सा, मतलब -7/19 7/19 का इनवर्स है, बेस्ट एडिटिव इनवर्स है। ओके, बहरहाल बच्चों अभी उन्होंने हमसे -7/19 का एडिटिव इनवर्स पूछा था, तो आंसर है 7/19 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19, करेक्ट। ये हो गया।